नमस्कार दोस्तों, मैं काशिफ आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसी शख्सियत को हमारे साथ, जिन्होंने समाज के अंदर रहते हुए काफी स्ट्रगल किया है और वो मुकाम हासिल किया है जो हम सबका एक ख्वाब होता है। और एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि इन्होंने अपने ख्वाबों को भी पूरा किया है तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज मेरे साथ है बहुत ही पॉपुलर और हमारे एक तरह से मेंटर भी कह सकता हूँ, मैं काफी टाइम से सर को फॉलो कर रहा हूँ, इंजीनियर दिनेश बजाज सर। आपके बारे में अगर मैं बताऊं तो आपने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दिया था जिसमें इनकी ऑल ओवर इंडिया 34th रैंक थी। एंड देन उसके बाद सर ने इसरो का एग्जाम भी दिया, उसके अंदर उनकी ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक थी और काफी एग्जाम जो है क्वालिफाई किए। तो आइए स्वागत करते हैं दिनेश सर का। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, वेरी मच, थैंक यू फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। हाय काशिफ। हेलो सर, सबसे पहले सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, थैंक यू। आपको भी थैंक यू। ओके सर, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा था कि आपने दो एग्जाम निकाले हैं, आपने IAS का एग्जाम निकाला है सर, उसमें आपकी AIR 34th थी, ठीक है, इसके अलावा आपने इसरो का एग्जाम निकाला है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है 7th है। तो सर सबसे पहले ये जो मेरा क्वेश्चन है कि किस तरह से आपने अपने गोल को सेट किया और गोल को अचीव किया, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, तो अगर वो आप अपने हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा था कि पास आउट होने के बाद as of कुछ प्लान नहीं था कि हाउ टू यू नो, इतना एक्सपोजर भी नहीं था कि किस तरह पढ़ाई की जाती है और किस तरह हम लोग अपना गोल अचीव करते हैं। लेकिन माय फर्स्ट स्टेप वाज टू जॉइन अ कोचिंग इन हैदराबाद, बिकॉज इंजीनियरिंग का एग्जाम देना और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी सर। सो टू अचीव समथिंग आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं उन सब सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ेगा पहले। जी जी। तो मेरा पहला स्टेप तो ये था कि फोकस्ड रहो और पहले अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो। तो वो मेरे क्लियर हुए हैदराबाद में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। That was in, I think, 13 ending था, 14 का start था, 2014 का। And वो 3-4 महीने कोचिंग लेने के बाद मेरा व्यू क्लियर हुआ कि there are so many exams, कितने अपॉर्चुनिटीज हैं वो टाइम देने के लिए, whether it can be IAS, whether it can be GATE, whether it can be ISRO, Vizag Steel, state के exams थे महाजन को के। So धीरे धीरे मेरा एक व्यू बनता गया कि मुझे क्या क्या एग्जाम्स देने हैं और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन लगती है। तो जहां तक इंजीनियरिंग सर्विस का सवाल है, उसके लिए एक सेपरेट प्रिपरेशन होती है। इसरो का सवाल है, वो एक टाइम बाउंड एग्जाम है, वहाँ एक सेपरेट स्ट्रेटजी होती है। गेट है, वहाँ एक सेपरेट स्ट्रेटजी। सो ईच ऑफ द एग्जामिनेशन इज हैविंग अ सेपरेट स्ट्रेटजी। तो सर आपने जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो मेन एक स्ट्रेटजी थी आपकी, भाई आपने जब कोचिंग करी है सर, आपने तो कोचिंग के साथ साथ कोचिंग में पढ़ते वक्त आपने कोई एक गोल जो है वो सेट किया होगा? या कोचिंग में सबसे पहले मेरा एक गोल था कि जो डेली का जो पढ़ाया जाता है उसका मैं रिवीजन करूं और शॉर्ट नोट्स बनाऊं। बिकॉज आपको इतना सारा पढ़ा दिया जाता है कि बाद में आप रिवीजन करने बैठे तो इट लुक्स लाइक अ मैमथ जॉब, बहुत बड़ा जॉब लगता है। तो व्हाट यू डू इज, व्हाटएवर यू आर स्टडिंग टुडे, जस्ट मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑफ इट इन योर ओन वर्ड्स। यानी अगर आपको 10 पेज का एक FM का चैप्टर पढ़ाया गया है, उसको एक या दो पेज में आप कंडेंस करके लिखिए। सो व्हेनेवर यू रिवाइज दैट 2 पेजेस, यू विल ऑल यू रिमेंबर ऑल द 10 पेजेस। तो ऐसा करते करते मेरा शॉर्ट नोट्स का बुक बनता गया और मेरा पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस 300 पेज में, मींस मैं पूरा इंजीनियरिंग सर्विस का पूरा सिलेबस 300 पेज में एक दिन में रिवाइज कर सकता हूँ। अब इससे दो फायदे हैं, एक तो आपका हफ्ते का रिवीजन भी होता है और एग्जाम के एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले अगर आप कंटिन्यूसली 4-5 बार वो बुक पढ़ ले, आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। यू नीड नॉट टच 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स बुक्स फॉर दैट, जस्ट लाइक हैंड बुक। दैट वाज माय बेसिक स्ट्रेटजी, माय व्हाट यू कैन से दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द प्रिपरेशन। तो ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। ओके। तो सर आपने मतलब IAS और इसरो के अलावा और भी कौन कौन से एग्जाम दिए हैं जिनको क्वालिफाई किया, जस्ट लाइक मैंने काफी दिए एक्चुअली, सही बोले तो इतने सारे दिए कि अब याद भी नहीं है, लेकिन जो क्रैक किए, Vizag Steel एक था जो मैं क्रैक करा, उसके बाद एक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था वो भी क्रैक किया था। ओके। उसके बाद महाजन को असिस्टेंट इंजीनियर था, SSC JEE, गेट, ऐसे काफी एग्जाम्स हैं। तो सर गेट आपने क्वालिफाई किया? हाँ, गेट मैंने क्वालिफाई किया 3 बार। हालांकि गेट का पैटर्न बिल्कुल अलग है इंजीनियरिंग सर्विस से। सो गेट में अराउंड 65-70 हमेशा मेरा स्कोर आता था।
दैट वाज द स्कोर आई वाज गेटिंग फ्रॉम लास्ट लाइक आई थिंक 13 14 एंड 15 मैंने किया. उसके बाद मेरा थोड़ा गेट से डिबेट होके इसरो और आईएएस की तरफ चला गया फोकस. ओके तो सर मतलब एक आपने जैसे मैं जानता हूँ आपको काफी टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ. आई थिंक 2015 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ. तब से मैं देख रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स को नई नई चीजें बताते रहते हो. जैसा कि एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है एक इसरो का क्वेश्चन था जिसमें अपेरेंट वेट का क्वेश्चन था. आपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है जी. तो मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया था. मैं तब से ही आपका मतलब एक तरह से फैन हो गया था. मैंने कहा सर से एक बार एक ग्रुप में मैंने वीडियो डाला था एक्सपेरिमेंट करते हुए. जी 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 एक्सपेरिमेंट कैसे होगा एपेरेंट और वेट स्केल का जो नंबर है वो बढ़ता है. जी जी हालांकि हर जगह पे दिया हुआ है कि नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बट जब व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट इट शोज दैट बढ़ेगा. अच्छा तो सर जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे गेट के बारे में. तो सर गेट एक ऐसा एग्जाम होता है आप जानते हैं कि थ्रू आउट द इयर्स गेट की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बड़ी है. बीटेक वालों के लिए तो इस तरह से हो गया है कि बहुत कंपलसरी है. गेट तो उनको क्वालिफाई करना ही करना है. तो अगर कोई बच्चा सर गेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है साथ में उसमें रैंक लाना चाहता है ठीक है तो किस तरह से उसको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए. उसको क्या करना चाहिए कि उसके पहली बात तो मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है जो अभी जॉब नहीं कर रहा है ठीक है वो गेट क्रैक करना चाहता है या अदर कोई टेक्निकल एग्जाम क्रैक करना चाहता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी स्ट्रेटेजी उसके लिए रहेगी. सबसे पहले मैं तो कहना चाहूंगा जैसे गेट क्रैक करना है उससे पहले एक ये चीज फोकस करनी होगी कि एक ऑल इंडिया लेवल पे वो कम्पीट कर रहा है. इट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जाम के थोड़ा पढ़ के पास होकर चलेगा. नहीं ही हैज टू बी बेटर देन द बेस्ट. ठीक है उसे बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है तभी उसका रैंक ऐसा आएगा. ही कैन मेक यूज ऑफ दैट गेट स्कोर. ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए 100% कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए. ही शुड बी इन सच अ पोजिशन दैट ही कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन. उसके लिए उसको लगेगा प्रैक्टिस. एक तो उसको लगेगा रेगुलर रिविजन और एक भी कॉन्सेप्ट में उसका कुछ भी क्लैरिटी मतलब देयर इज अ वी कैन से ही इज नॉट हैविंग क्लैरिटी फॉर एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट. ही हैज टू रेफर आइदर कोचिंग और टेक्स्टबुक और ही हैज टू गेट द कॉन्सेप्ट्स क्लियर. सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. वंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप उसको प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर पा रहे यू कैन नॉट अटेम्प्ट गेट बिकॉज आप गेट का सिलेबस या फिर उसका पेपर उठा के देखें मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम्स ही मिलेंगे. So he has to be a problem solver. So the practice, even including me, the amount of practice being done, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि we have done only एक हफ्ते में मैंने 100 question कर ले that is enough. So it has to be infinite. जितना आप question solve करोगे उतना आपका concept clear होगा. So gate के लिए I think these two things are very important. First of all 100% concept clearance and second practice every day. Let your goals be increasing every day of you know solve number of questions that you are solving. So, ये दो चीज से मुझे लगता है गेट में काफी फायदा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए. तो अगर कोई स्टूडेंट गेट क्वालिफाई कर जाता है मान लिया जाए कि एक स्टूडेंट गेट के अंदर अच्छी रैंक ले आता है तो उसको आगे जाके कौन कौन से रास्ते मिलते हैं जिसको वो चूज कर सकता है. जी सबसे पहले तो अगर आप गेट स्कोर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो हम सब जानते हैं कि हायर एजुकेशन में भी क्या बोले हायर एजुकेशन के लिए गेट बिल्कुल मैंडेटरी है. जी जी अब मैंने देखा है कि न्यू ट्रेंड ऐसा है कि नॉन टेक्निकल एमबीए के लिए भी लोग आईआईटी में एमबीए करने जा रहे हैं गेट स्कोर पे. एकदम नया कॉन्सेप्ट आया है. जी जी एंड गेट स्कोर पे नीटी जैसे कॉलेजेस हैं जो व्हाट वी कैन से टेक्नो मैनेजिकल सिलेबस पढ़ा रहे हैं एमटेक में लाइक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वो सब. सो देयर आर टू थिंग्स नाउ यू कैन गो फॉर अ कोर एमटेक और टेक्नो मैनेजिकल सब्जेक्ट्स. देन आप गेट के थ्रू आप हायर एजुकेशन के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें जैसे डीआरडी हो गया बीएआरसी हो गया एंड ऑल द पीएसयूज नाउ आर रिक्रूटिंग थ्रू गेट ओनली. पहले पीएसयूज का अलग एग्जाम होता था लेकिन अब टोटली गेट के थ्रू हो रहा है. और एक गेट एक बेंचमार्क है. आई थिंक इफ यू आर गेट क्वालिफाइड तो आप अगर प्राइवेट में भी कहीं जाएंगे एंड यू कैन यू नो पुट अ वेटेज टू योर रेज्यूम दैट यू हैव क्वालिफाइड गेट. सो आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर एवरी इंजीनियर टू प्रूव हिज वर्थ. तो मतलब गेट से आप चाहे तो गवर्नमेंट नौकरी भी आपको मिल सकती है चाहे तो आपको प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है और इसके साथ अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल है. उसके लिए भी काफी ज़्यादा मतलब आजकल अगर अब्रॉड भी जाना है तो शायद उसके लिए भी गेट क्वालिफाई करके आप. आई थिंक आई हैव हर्ड मेनी स्टूडेंट्स के जहाँ पे लोग गेट का एग्जाम का स्कोर भी ज्वाइन करते हैं अपने यू नो आईलेट्स और वो सब के साथ में जो भी जीआरई आईलेट्स लोग एग्जाम देते हैं उसका गेट का स्कोर भी डाल देते हैं ये बताने के लिए कि उन लोगों ने इंडिया में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया इतना कंपटीशन में भी दे हैव परफॉर्म वेरी वेल
सो उससे पता चलता है कि ये बंदे का मतलब क्या क्या बैकग्राउंड है. सो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. ओके सर. अच्छा सर, एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स मुझसे कई बार पूछते हैं सर, वो जनरल सा क्वेश्चन ये है कि बच्चा है, एक पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसने काफी तैयारी करी, अब जब एग्जाम में जा रहा है तो सर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्फिडेंस या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है डेफिनेटली. और अगर आप गेट जैसे एग्जाम में या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में जा रहे हो तो वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके पूरे पेपर को खराब कर देते हैं. तो सर आज का जो सेशन है, मैं उससे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरह से स्टूडेंट प्रेशर हैंडल करे एट द टाइम ऑफ एग्जाम. सर वो पूरे साल प्रेशर को हैंडल कर लेता है बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो नहीं कर पाता. हाँ, ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो ऐसे क्वेश्चन पे फंस जाते हैं, ताकि उनको जितना आता है वो भी नहीं लिखते, बस वो एक क्वेश्चन पे लेके फंस जाते हैं. और ये ट्रिक क्वेश्चन ऐसा बोलना चाहिए, हर एग्जाम में जानबूझ के डाला जाता है कि यू नो द पर्संस हु आर गेटिंग स्टक देयर विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं. मेरे साथ भी काफी टाइम हुआ है. इंजीनियरिंग सर्विस में तो काफी सारा होता है ऐसा कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस डाल देते हैं कि हम सोच सोच के पागल हो जाते हैं, वी कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसे क्वेश्चन पे आप 10 सेकंड से ऊपर ना स्पेंड करें. जब आपको बताया कि आपको नहीं आता है तो प्लीज छोड़ दिए, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस का इतना लंबा पेपर होता है कि आप अगर 100% भी पढ़ के गए तो आप लिख पाएंगे ओनली 70-80%. ठीक है, तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस में पढ़ के 70-80% गया था, उतना ही लिखा. सो अगर मुझे लगता था कि ये मेरा 20% आया है, या नोबडी कैन राइट 100% पेपर इंजीनियरिंग सर्विस, जब मुझे पता लगा कि ये क्वेश्चन मेरे 20% से आया जो मैंने नहीं पढ़ा है, 10 सेकंड में वो सेंटेंस पढ़ के मैंने छोड़ दिया. तो मैंने क्या किया, जितना मैंने पढ़ा है उतना 100% एफिशिएंसी से मैंने लिखा. मैं 100% पढ़ के 80% लिख के आया, ऐसा नहीं है, दैट वुड हैव बीन ओनली माय 80% एफिशिएंसी, बट मैं 80% ही पढ़ गया, मैंने उतना ही लिखा. सो उसमें भी टाइम कम पड़ा. तो इससे क्या साबित होता है कि यू नीड नॉट कवर एवरीथिंग इन इंजीनियरिंग सर्विस. If you find a question which is just out of syllabus or you have not read it, please leave it. Even in ISRO ke question mein aap dekhenge, 80 questions hota hai, 240 marks ke liye. 4-5 question aisa hoga jiske liye aapko calculator chahiye. You are not allowed to use a calculator. 4-5 aisa question hoga jo kuch M.Tech level ka dal diya hoga, experimental data kuch dal diya hoga. Bacche log kya karte hain, usko solve karne ke piche lag jate hain ki haan, we have to prove our. Wo examination se qualifying hai. Wo exam se qualifying hai. Okay. I have also got only 2 marks ahead of qualifying marks. Okay. Then your qualifying marks, once you qualify, doesn't matter. Only matters is your interview marks. Okay. So, बच्चों को ये समझना होगा. Okay. Yeah, no count नहीं होगा. इसरो के अंदर count नहीं होंगे. Only आपके interview के marks को count किया जाएगा. Yeah. Definitely. तो बच्चों को ये समझना होगा कि at the time of examination, be in a neutral state. कोई आपको 4-5 question लगातार आ गए तो एकदम खुश हो जाना. 4-5 question नहीं आए तो मायूस हो जाना. ये नहीं आप नहीं कर सकते. जैसे आप एक कॉमन मेंटल स्टेट आप न्यूट्रल बना के चलिए, आएगा तो भी वैसे ही रहूंगा, नहीं आएगा तो भी वैसे ही रहूंगा. ये मैं अगर आप न्यूट्रल स्टेट अपने माइंड में दोहराते रहे प्रिपरेशन के टाइम ही, तो आपको फाइनल डे पे बिल्कुल इश्यू नहीं होगा, आप बिल्कुल काम माइंड से जाकर सॉल्व करके आएंगे. ये मेरा बोलना है. गेट में भी यही सेम प्रॉब्लम है. गेट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल देगा कि उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ ही नहीं आएगा एंड तक. डजंट मैटर, अगर आपके लिए हार्ड है तो वो आपके पूरे ऑल इंडिया के लोगों के लिए हार्ड होगा. सो यू शुड नॉट बी इन अ प्रेशर कि अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा या मुझे मार्क्स नहीं आएगा या मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा. सी, एक क्वेश्चन है, बाकी का तो 99% पेपर बाकी है ना, बाकी का 90% बाकी है. तो पीपल शुड सी द बिगर थिंग, दे शुड नॉट गेट स्टक इन 2 or 3 क्वेश्चंस. तो ये न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन एग्जामिनेशन, हर चीज के लिए. जब रिजल्ट आता है, वेदर फेलियर है, पास है, नेक्स्ट टाइम देना है, वेदर क्या प्लान करना है, एवरीथिंग शुड बी प्लान इन न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड. क्योंकि अब ज्यादा खुश और ज्यादा सैड हो गए तो आपका वो सोचने का एफिशिएंसी वहां कम हो जाएगा एट दैट मोमेंट. आपने 3 घंटे के लिए पूरा साल पढ़ाई की है उस 3 घंटे का एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए. सो यू कैन नॉट डू इनजस्टिस बाय यू नो टेकिंग द प्रेशर एंड स्पॉइलिंग योर या. सो आई थिंक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड ही कल्टीवेट करना पड़ेगा धीरे धीरे, एक दिन का बात नहीं है. ड्यूरिंग प्रिपरेशन इटसेल्फ आपको रिमाइंड करना होगा खुद को कि जब मैं जाऊंगा पेपर देने नहीं होता है तो ठीक है. मतलब ये अप्रोच होनी चाहिए कि अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको नहीं हो रहा तो भी ठीक है ना. प्रिपरेशन करो तो मार्जिन बहुत है. सी, 130 का कट ऑफ था 240 में से. 240 में से अच्छा, तो जिसको 186 मिला, 190 मिला, वो बंदे लोग नहीं सिलेक्ट हुए. और जिसको 132 मिला, मुझे मैं सिलेक्ट हूं. हां, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है. सो ऐसा मत समझिए कि ये क्वेश्चन या ये स्कोर ही लास्ट है, ऐसा नहीं है. यू सी द अदर साइड ऑफ द पेपर.
यूजुअली एसएससी जेई में भी ऐसा होता है, इंजीनियरिंग सर्विस में तो बहुत होता है, स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन इतने हार्ड होते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं मैं टिक मार्क करूं छोड़ दूं क्या करूं, बाकी का पूरा 80 क्वेश्चन देखते हैं एकदम इजी, एक एक मार्क के क्वेश्चन बहुत इजी, बट वो 10 क्वेश्चन करना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। हाँ, लोग क्या करते हैं पूरा आधा 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 टाइम वहाँ स्टार्टिंग में स्पेंड करते हैं, एंडिंग में टेंशन में आ जाते हैं कि मैंने सॉल्व नहीं किया। तो न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आ रहा है 10 सेकंड पढ़ो, नहीं नहीं पल्ले पड़ रहा है सीधा छोड़ के सेकंड क्वेश्चन, नहीं सेकंड आ रहा है थर्ड फोर्थ, और 10 क्वेश्चन अगर छूट गए बीच में तो भी कोई कोई मैटर नहीं, हो सकता है उसने एक साथ सब क्लब बना के भेजा हो वहाँ पे एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन हार्ड वाले। तो लेवल बढ़ाना है, देखो अभी सबको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, ठीक है, अब लेवल कैसे बढ़ाया जाएगा, अभी यूपीएससी सिविल सर्विस तो है नहीं कि बाहर से कुछ भी लाके डाल दे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही रहना है, अब इतने 20-30 साल हो गए पेपर बनाते इन लोगों को, कहां से नई चीज लाएंगे, तो ये नए नए एक्सपेरिमेंट चलते हैं, इस बार गेट में नया एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई हम मल्टीपल क्वेश्चन डालेंगे, सो दे डोंट हैव एनी मोर कॉन्सेप्ट्स टू गिव, एवरीबॉडी इज नोइंग द कॉन्सेप्ट्स, एवरीबॉडी इज हैविंग द बुक्स, अब कुछ और अंदर ही अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सो एवरी स्टूडेंट हैज टू ओनली कोप अप विद दैट, एक न्यूट्रल एक कल्चर बनाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। जैसा सर अभी आप बता रहे थे गेट में कुछ नया ऐड किया है मल्टीपल क्वेश्चंस का, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं स्टूडेंट्स को। तो आई थिंक मल्टीपल इस बारे में इस टॉपिक पे ऐसा है कि अभी सिर्फ गेसिंग ही चल रही है, बट 90% लोग ऐसे बता रहे हैं कि इट विल बी ऑफ दैट AIEEE नीट में जैसे क्वेश्चंस आते थे, JEE में क्वेश्चंस आते थे, लाइक एक से ज्यादा सही चीजें करेक्ट रहेंगी उसमें, या दो दो करेक्ट चीजें रहेंगी, तो जैसे पाई इक्वल टू 3.142 भी हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है, सो आई थिंक दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑफ लाइक इंजीनियरिंग सर्विस कि ए एन बी इज ट्रू, ए एन बी एस सी इज ट्रू, आई डोंट थिंक दे विल गो टू दैट एक्सटेंट, दे विल ओनली गो फॉर टेक्निकल एक्सटेंट, ये दो चीजें राइट हो, जस्ट लाइक MSQ जो होते हैं, मतलब मल्टीपल मे बी सपोज हीट फ्लक्स दिया और फ्लो रेट दिया है, तो मे बी दो चीजें कैलकुलेट करनी होगी, दोनों को टिक मार्क करना होगा, समथिंग लाइक दैट। फिर तो पेपर काफी लेंथी होने वाला है, गेट का भी ऑफ कोर्स होगा ही लेंथी। अच्छा सर, नया होगा बिकॉज़ अच्छा सर, हमारे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं जूनियर इंजीनियर की, तो जैसा कि आपने बताया इंट्रोडक्शन में कि आपने एसएससी जूनियर इंजीनियर भी क्वालिफाई किया था, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं तो बहुत अच्छा। मेरा एसएससी जेईई का स्ट्रेटजी थोड़ा अलग था, सबसे पहले मैंने एसएससी जेईई में जीके सॉल्व किया था, क्योंकि जीके में तो तुमको आता है या तो नहीं आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग है और आता है तो जीके इज नॉट लाइक तुक्का मारना है, स्टार्टिंग यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे को 50 में से 30 क्वेश्चन 100% आते हैं, सो दैट 10-15 मिनट्स में आपका पूरा एक सेक्शन खत्म हो जाता है, तो आपका एक एडवांटेज गेन होता है, आपका मेंटल स्टेट हो जाता है कि मैंने 25% या 30% पेपर खत्म कर दिया, देन यू गो फॉर द टेक्निकल पार्ट, क्योंकि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपका सेकंड पार्ट सबसे मजबूत होगा इंजीनियरिंग, उसमें भी आपको या तो आता है या तो नहीं आता है, तो आप वो भी कवर कर लीजिए, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू गो फॉर द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इन द स्टार्ट, एप्टीट्यूड ऐसी चीज है कि उसको सॉल्व करते रह जाओगे, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग एप्टीट्यूड, वो इंजीनियरिंग या फिर जीके की तरह नहीं है जिसका एक डेफिनेट वे या एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये दो इंजीनियरिंग और इसके सेक्शन जो है व्हाट यू कैन से दिस जीके सेक्शन, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, वेल गोइंग फॉर द एप्टीट्यूड सेक्शन आपको आप या तो जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो या थोड़ा तिकड़म लगा के वेरीफाई भी करके, कुछ होता है ना बैक सब्स्टिट्यूशन करो, कुछ मैथमेटिकल करो, तो दैट पार्ट आई थिंक वी शुड स्पेंड मोर टाइम और उसको लास्ट में रखना चाहिए, तो मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा था कि मैंने ऐसे किया था, और सिलेबस तो मैंने गेट के पढ़ के गया था उसके लिए, वैसे तो डिप्लोमा लेवल सिलेबस ही आता है, बट इफ यू रीड गेट सिलेबस तो ऐसा है कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करने में इजी हो जाए, क्वेश्चंस काफी इजी पूछे जाते हैं गेट के, अगर कंपेयर में देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, या कंपैरेटिवली इजी होते हैं, बट आप अगर गेट के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं, या डेफिनेटली वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो उसी से बनते हैं। अच्छा, तो चलिए सर, ये सारी बातें होंगी वो स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जो फैमिली कंडीशंस को देखते हुए या एज को देखते हुए जॉब भी करते हैं, और वो जॉब के साथ साथ उनका एक सपना है, उनका एक ड्रीम है कि भाई हम जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम टेक्निकल के अंदर क्रैक करें, जैसे काफी मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट फर्म है, बट वो चाहते हैं कि वो अपनी पोस्ट को इंक्रीज करें, एक हायर एग्जाम देके, हायर एग्जाम देके किसी अच्छी पोस्ट पे जो है वो सेटल हो जाए, तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगे, कोई ऐसी सलाह कि भाई आप जॉब जा रहे हो 9 to 5 आपकी जॉब फिक्स है, तो किस तरह से अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करें, यूटिलाइज करें, देन वो जो अपनी प्रिपरेशन कर सके और अपना जो
जो भी पोस्ट चाहते हैं उस पोस्ट को अचीव कर सके। हाँ, एक एक सलाह मैं ये देना चाहूंगा कि आपके पास तो दिन तो 365 होते हैं साल में, लेकिन आपके पास घंटे 24 होते हैं, ठीक है। हाउ यू यूटिलाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा है कि शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो, अगर आप समझो आप जॉब से आते हैं, ठीक है, जॉब में तो आपको टाइम, अज्यूम करते हैं आपको जॉब में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो आप रात का जो टाइम है उसमें आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं बोलो कि आप प्रिपरेशन वैसे कीजिए जैसे ओनली स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर फुल डे, वैसे उतना आपका स्पीड से हो भी नहीं पाएगा, आपका एनर्जी कम होगा, आपके पास टाइम कम होगा। तो आप ऐसा ऐसा कीजिए, अगर दूसरे लोग 1 ईयर प्लान बनाते हैं, आप 2 ईयर प्लान बनाइए, ठीक है। योर स्लो एंड स्टडी ऑल्सो विंस द रेस, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाजू वाला 1 साल में कर रहा है तो मैं 2 साल में कर रहा हूँ तो मैं छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग चार चार पांच पांच अटेम्प्ट क्यों देते हैं? बिकॉज दे नो दे स्लोली गोइंग टू सक्सेस। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, दे शुड हैव द पेशेंस के भाई हाँ, मेरे को 2 साल भी लग गए तो आई विल डू इट, बिकॉज मेरे को मेरी कंडीशन सुधारनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल स्टेट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ। दे शुड फील प्राउड कि मैं दो चीजें कर रहा हूँ। पहली बात तो उन्होंने खुद में कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि प्रिपेरेशन अगर करना है तो वट आई फील इज कि शाम का प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स रिविजन कीजिए, और सुबह जॉब पे जाने से पहले जो आपने लास्ट में प्रिपरेशन किया था रात भर वो एक ओवरव्यू ले लीजिए। तो अगर आपका डेली का साइकिल बन जाएगा तो एक एक मोमेंटम आ जाता है कि हाँ भाई मैंने रोज कुछ ना कुछ पोर्शन कवर हो रहा है, मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ। और अगर आपका थोड़ा लिबरल है लंच टाइम वगैरह में, तो कैरी योर नोट्स विद यू, एक और बार रिविजन आप जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया वो एक और बार रिवाइज कर लीजिए, और रात में शाम में आएंगे तो उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। तो आपका जो मोमेंटम अगर आप डेवलप कर पाए तो इट इज वेरी गुड। और आपका जो वीकेंड है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ऐसा मत सोचिए वीकेंड तो मेरा बहुत अभी मेरा मैं थक गया हूँ तो मैं मस्त आराम करूंगा। देखो भाई, इफ यू डोंट बर्न इन फायर यू वोंट ग्लो लाइक फायर। तो पहले कुछ टाइम तो जलना पड़ेगा, ठीक है। हमने भी किया है, मैं तो बर्थडे दिवाली सब भूल गया था 3 साल। तो उसके बाद जब पहली पहली सैलरी आती है उसी दिन मेरा दिवाली था, ठीक है, उसी दिन मेरा बर्थडे था जिस दिन मेरी पहली सैलरी। तो पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, फैमिली फंक्शंस, बर्थडेज, ये सब थोड़ा सेक्रीफाइस कर लोगे 2-3 साल, नो मैटर व्हाट यू डू यू विल गेट सक्सेस। ओके, तो वेर वेर योर टाइम ग्रोज वहीं से आपका फ्यूचर भी आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आई थिंक जॉब वाले भी कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किया, इंजीनियरिंग सर्विस भी लोगों ने क्रैक किया जॉब करते हुए। डेडिकेशन मैटर्स, यही बात है। शाम का टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, फिर शाम का टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, फिर जो सुबह ऑफिस से पहले जाने का टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो आई थिंक दैट मैटर्स। ओके सर। अच्छा सर, एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछा जा रहा था, अभी अभी मेरे दिमाग में आया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है कि वो नोट्स तलाशते हैं, जैसे हम बार बार शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो नोट्स तलाशते हैं, वो बनाते नहीं है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि भाई तुम्हें किसी IAS के नोट्स काम नहीं आएंगे, तुम्हें तुम्हारे बनाए हुए नोट्स काम आएंगे, ठीक है। तो एक मैसेज मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए दे दीजिए आप। वो क्या करते हैं, टेलीग्राम पे जाएंगे, दैट इसका नोट्स, आपका नोट्स, तो उनके लिए एक मैसेज। मुझे मुझे अनगिनत लोगों ने मेल किए हैं, मैसेज किया है मेरे पेज पे, मुझे पर्सनल प्रोफाइल पे, नंबर पे, जहां जहां हो सकता है लोगों ने मेरे से मेरे नोट्स मांगे हैं। और मैंने रूडली लोगों को बोला कि मैं नहीं दूंगा, मैं कभी रूड नहीं होता किसी से, पर नोट्स अगर मांगोगे तो आई विल बी रूड भाई, बिकॉज आप अपनी कैपेबिलिटी को नष्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बना बना खाना डेली देते जाऊंगा तो आप एक दिन खाना बनाना भूल जाएंगे, ऐसी बात। आई डोंट थिंक किसी को नोट्स देना इज अ वेरी गुड आइडिया, स्पेशली शॉर्ट नोट्स। देखो, अगर आप किसी कोचिंग के बड़े वाले नोट्स ले रहे हो, दैट इज ओके, बिकॉज आप रेफरेंस के लिए ले रहे हो, इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक, वो लोग सब चीजें पूरा टेक्स्ट में डाल के डायग्राम के साथ समझा रहे हैं। पर जो शॉर्ट नोट्स है वो आपका एक यूनिक चीज होता है, आपने किस तरह समझा और आप किस तरह उसे याद रखते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है, वो आपको कोई बंदा नहीं दे सकता। किसी बंदे का आप किसी टॉप रैंकर इंजीनियरिंग सर्विस के टॉप रैंकर का भी अगर नोट्स ले लें, so you won't be able to understand what he has written unless you write it, okay। तो मैंने बहुत लोगों को समझाया, आप अगर आप अपने वर्ड से लिखें और अपने पेन से अपने अपने बुक पे लिखें, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में, आपका वो पूरा इमेज जो है पेपर का वो आपके नजरों के सामने छप जाएगा, बिकॉज आपने वो लिखा है, ठीक है। दैट रियली हेल्प्स। सो मेरा आपके थ्रू सब स्टूडेंट से यही बोलना है कि प्लीज शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट मत मांगिए, दूसरे नोट्स ठीक है, और मल्टीपल कोचिंग के नोट्स प्लीज रिफर मत कीजिए, एक या दो बहुत हो गया। लोग क्या करते हैं, 5-5 कोचिंग के नोट्स लाते हैं, 1 साल में खत्म नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं टोटली, ठीक है। एक रिफर कीजिए, वो खत्म हो जाए आपका, आपको लग रहा है कि सेकंड में कुछ अच्छा दिया हुआ है, सेकंड को भी ओवरव्यू कर लीजिए, बट रिफरिंग टू 2 डिफरेंट नोट्स इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, ओके। एंड प्रिपेयरिंग योर शॉर्ट नोट्स इज अ वेरी गुड थिंग, डोंट प्लीज आस्क एवरीवन, ओके। ओके सर। अच्छा सर, आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी आई है, नई नई चीजें आती जा रही है, तो इसमें ई लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई बच्चे के लिए, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि ई लर्निंग जो है बच्चे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कन्वेंशनल लर्निंग ज्यादा अच्छी थी,
कुछ इस तरीके का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें। मेरे हिसाब से दोनों ही चीजों का अपना फायदा है। जैसे कन्वेंशनल लर्निंग में दिखाया जाए कि बच्चे जाते हैं और बैठते हैं अपने नॉर्मल क्लासरूम के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ते हैं, पर उसमें डिसएडवांटेज भी है। और ई लर्निंग की कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठीक है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर पाते हैं, आप फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है, आप ट्रैवल कर पाते हैं, इट इज ओके। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप देखा जाए इंडिया में तो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके मतलब घर के हालात भी ठीक नहीं है और लोग स्ट्रगल करके यू नो दे वांट टू एडुकेट देमसेल्व्स। देखा जाए तो लोग कोटा भी नहीं जा सकते फॉर 12th प्रिपरेशन उनको अगर करना है, उसके बाद लोग दिल्ली और हैदराबाद नहीं जा सकते। बहुत लोग ऐसे जो मैंने देखा कि नहीं जा सकते, तो उनके लिए ई लर्निंग बहुत कारगर साबित होती है। और जो लोगों का बस टाइम नहीं है, जो लोग काम भी कर रहे हैं साथ, तो ई लर्निंग कैसा होता है, लोग रात में बैठ के आराम से देख सकते हैं उनकी वीडियोज जो भी है, जो भी एजुकेशनल वीडियोज है। तो आई थिंक ई लर्निंग ऐसे टाइम पे बहुत इफेक्टिव होता है। किसी गांव में कोचिंग नहीं है, कोई बंदा बाहर, कोई अगर बंदा फार्मर है, वो उसका डैड फार्मर है, वो पढ़ना चाहता है, तो विद स्मॉल अभी तो इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया, तो विद दैट फैसिलिटी यू नो एजुकेशन वहां तक पहुंच रहा है। तो आई थिंक ई लर्निंग यहाँ पे वो बैरियर तोड़ देता है कि आपको कोचिंग तक चल के जाना है, वहां बैठना है 12-12 घंटे। किसी किसी का कैपेसिटी 6 घंटे का है, ही कैन रियली स्टडी फॉर 6 आवर्स। तो ई लर्निंग में होता है कि उसकी मर्जी के हिसाब से वो लर्न कर सकता है। तो ये सब एडवांटेजेस के हिसाब से आई थिंक ई लर्निंग बहुत कारगर साबित होगा आने वाले इसमें, आने वाले टाइम में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। अब जाते जाते मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करके जाइए, जिस तरह से आपने मुझे मोटिवेट करके रखा है इतने दिनों से। तो प्लीज थोड़ा सा कोई मोटिवेशनल मैसेज हो। मेरा मोटिवेशनल मैसेज सब स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ही है कि आप जो ड्रीम्स देखते हैं वो डेफिनेटली पूरे होते हैं। बस ऐसा है कि आप डेडिकेशन मत छोड़िए। एक टाइम पे मेरे इंजीनियरिंग का भी हालात ऐसा था कि मेरे बैकलॉग्स थे, आप कोरा में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स बैकलॉग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बैकलॉग है, टोटल 4 बैकलॉग है और 5 नए सब्जेक्ट है। ऐसे में 25 दिन में 9 सब्जेक्ट निकालना फ्रेश, और वो भी सब फर्स्ट क्लास में निकालना, मैंने भी सोचा नहीं था, लेकिन मैं उस चीज में लग गया। तब से मुझे, जब मेरा सेकंड ईयर का सेकंड सेम था, तो तब से मुझे समझ गया कि मैं सब कुछ ये सब अगर निकाल सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ओनली आई हैव टू फाइंड द वे। सो वो मेरा फर्स्ट फेलियर पे सक्सेस था, सबसे पहला सक्सेस तो मेरा वहां पे आ गया। तो जैसे हम हैदराबाद गए, वहां पे धीरे धीरे मैंने फर्स्ट टाइम गेट अटेम्प्ट किया तो मेरा 37 मार्क्स आया था सिर्फ, तब मुझे समझा कि मेरी गलतियां क्या है। सो एरर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे मत समझिए मैं आईआईटी का हूँ तो मैं कर पाऊंगा, मैं आईआईटी का नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे इंटरव्यू में भले वो आईएसआरओ का इंटरव्यू हो या इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू हो, आईआईटी वाले भी थे, आज कोई नहीं है सिलेक्टेड। ठीक है, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रीजनल कॉलेज, मैं सिलेक्ट हो गया, मेरे साथ जितने लोग हैं वो छोटे मोटे कॉलेज से ही है सारे। तो इट डज नॉट मैटर वेदर उनका बैकग्राउंड क्या है, आपने इंजीनियरिंग में कितने बैकलॉग लिए हैं या फिर आपने क्या किया है, ओनली मैटर्स इज आपका आज का परफॉर्मेंस क्या है। और आज का टाइम तो आपके पास है ना, आज आपके पास समझ भी ज्यादा है। ठीक है, सो आई विल गिव दैट मैसेज टू एवरीबॉडी कि आप सब पिछला भूल जाइए और आप ऐसे प्रिपरेशन कीजिए विदाउट एनी कंपैरिजन कि आप बंदा वो क्या कर रहा है, उसका कितना ज्यादा हो चुका है, वो तो ज्यादा अमीर है या फिर उसने कोचिंग अच्छी ले रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। इन द एंड आपके प्रिपरेशन करते हैं, आप क्या लिखते हैं आपके एग्जाम में, दैट मैटर्स। So I wish all the students who are listening to me right now that you all the best for all your future endeavors or dedication se kijiye. And I think if any doubt agar further kisi ko query hai to aap directly mujhe ya Kashif sir ko bhi agar puchenge to I think aap students ki kafi madad kar sakte hain. Bilkul sir, bilkul. Possible aap if possible people can contact me also on my page. So I always feel happy to you know clarify doubts for people. To students main aapko batata chalun ki aap is video ke description ke andar सर का पर्सनल पेज है, उसका लिंक आपको मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपकी क्वेरी है मतलब एग्जाम कैसे देना, इसके अलावा अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वेरी है तो वो भी सर बहुत मतलब जल्दी और आसानी से सॉल्व करके देंगे। सर सबको रिप्लाई करते हैं, मैं खुद जानता हूँ इतने टाइम से। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया।